किस चीज़ के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है? द बेस्ट ब्रांड इंडोर्सर ऑफ द ईयर. तो आई गेस जितने ब्रांड्स को मैं इंडोर्स करती हूँ अच्छे से करती हूँ. आई थिंक कि फिल्मों को मैं इतनी अहमियत देती हूँ एंड एक तरह से जी हाँ इंडोर्समेंट्स आर अ वे ऑफ इनकम फॉर एक्टर्स, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि हम लोगों को उतने तो मिलते नहीं हैं जितने एक्टर्स को मिलते हैं. सर देखिए, मेरे हिसाब से जी हाँ, मुझे भी लगता है कि इट्स नॉट अनफेयर. आई मीन इट्स वेरी अनफेयर, बट आई थिंक कि जिस दिन एक तरह से बॉयज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, उनकी फिल्में ऐसे आंकड़ों पे जाती हैं, उनके बलबूते पे बहुत सारी फिल्में बिकती हैं, एंड आई होप कि जिस दिन ये बदलाव आया है, बहुत आया है, डेफिनेटली आया है, वक्त लगेगा, एक मेल डोमिनेटेड दुनिया है, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म 100 क्रोर्स टच कर जाए, शायद हमारे लिए बहुत बेटर हो. सो लेट्स होप फॉर ऑल द गर्ल्स टू मेक अमेजिंग. फिल्में मेरा पेशा है, जो मैं एड्स करती हूँ वो मेरा शौक है. मेरे हिसाब से युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए. हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे पास कोई हक नहीं है पूछने का कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है, जब तक हम अपने देश के लीडर्स को खुद पिक ना करें. तो अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हमारा हक भी नहीं बनता पूछने का. तो आप जाइए, अपना फ़र्ज निभाइए और वोट कीजिए. मैं वोट करती हूँ जी. हाँ, मैं कहूँगी कि लोग बहुत सारे मुद्दों को ढूंढने की कोशिश करते हैं. IPL एंटरटेनमेंट होता है जैसे क्रिकेट एंटरटेनमेंट है, और अब मैं क्रिकेट अथॉरिटी में तो हूँ नहीं जो कह सकती हूँ, तो बिना प्रूफ के आई डोंट थिंक अच्छा होता है कि हम स्पेकुलेशन को ज़्यादा बढ़ाएं. जब प्रूफ आएगा आई एम श्योर दैट द क्रिकेट अथॉरिटीज़ विल टेक इट सीरियसली. मैरी कॉम, अगली बार बोलना मैरी. What am I wearing? I'm wearing Alexander McQueen. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं, क्योंकि आजकल मेरी बनी हुई है तो सिर्फ शॉर्ट्स और ट्रैक पैंट्स पहन रही हूँ. तो मैंने एज यूजुअल जो भी लड़कियाँ पहनती है ब्लैक ड्रेस पहनी, बेस्ट लगती हैं सारी लड़कियाँ उसमें. माई फेवरेट ब्रांड, आई डू वेयर अ लॉट ऑफ Alexander McQueen, बट आई वोंट से इट्स माई फेवरेट ब्रांड, बट आई वेयर अ लॉट ऑफ इट.